औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रैक्शन, क्लास फिफ्थ प्राइमरी मैथ्स। The numeral below the division line tells into how many equal parts each whole number is divided. It is called the denominator. The numeral below the division line tells us how many of the parts have been taken into it. It is called the denominator. For example, यहां हम एक मिसाल देंगे, यह है 5/7। 5 जो है यह है न्यूमरेटर, इसको हम शॉर्ट लिखेंगे एन। जो ये 7 है यह है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, यह अच्छे से बना डिनोमिनेटर। जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं डिवीजन लाइन। क्या कहते हैं इसको? डिवीजन लाइन, डिवीजन लाइन। ऊपर है 5, यह है न्यूमरेटर, 7 है डिनोमिनेटर, जो ये बीच वाली लाइन है यह है डिवीजन लाइन। जो ये 5 है उस यथ मे 5 छ, यह हवान ये फिगर छ, यह कसन हिस्सन मन छ, यह कसन हिस्सन मन छ, यह 7 छ, यह हवान कि उस हसे छ 5, यह कसन हिस्सन मन छ आमज, अत कसन हिस्सन छ शेयर गमत, यह कसन हिस्सन मन छ आमज डिवाइड करना, यह 7 छ ऐसी फिगर छ यत, अत छ 7 हिस्सन करमत, अच्छे समझ कि कर्तन मतलब यह हाँ यह फ्रैक्शन हाँ कि अत वन फ्रैक्शन यह कर्तन हिस्सन मन आम तकसीम कर। वो तुलो क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडिड पोर्शन। यह कर बे डिस्कस, मगर पत्न ग अपलोड ग वीडियो की बड़ बड़ बार प्रॉब्लम से पे ग यह चीज कि अस पे शॉर्ट शॉर्ट कर। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडिड पोर्शन। यह फिगर अख, फिगर नंबर 1, अत बन मे खान ज टू पोर्शन, अत बन खान ज, एक को मैंने शेड किया है, दूसरा मैंने दूसरा अनशेड है। आप बताए जो ये शेड मैंने एक को किया, एक तो अनशेड है, ये कौन सी फ्रैक्शन है? हम लिखेंगे ये है 1/2। जो ये दूसरी है 1, 2, 3, 4, इसको दो पोर्शनों को शेड किया है, दो पोर्शन खुले छोड़ दिए, अनशेड है, इसको हम लिखेंगे यहां
ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है 2/4। जो ये तीसरी है सर्कल, सर्कल को मैंने चार हिस्से किए हैं, तीन को मैंने शेड किया है, एक तो अनशेड है। आप बताइए ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये है अनशेड है 1, शेडेड है 3, टोटल है 1, 2, 3, 4, ये बन गया 3/4। अनशेडेड है, शेडेड है 3, टोटल है 1, 2, 3, 4, ये बन गया 3/4। ये फिगर, ये फ्रैक्शन है 3/4। जो ये चौथी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें मैंने 7 हिस्से किए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 किए हैं, 6, 3 को मैंने 1, 2, 3, 3, तीन को मैंने शेड किया है, बाकी जो तीन है वो है अनशेड। हम इसको, हमें फ्रैक्शन में लिखना है, जो ये फिगर है हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बन गया, ये बन गई फिगर फ्रैक्शन 3/6। जो ये शेडेड वाले हैं ये तो ऊपर लिखते हैं, जो ये 6 है ना, ये टोटल, क्वेश्चन नंबर टू, आप समझ गए कि हम फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन किसको कहते हैं और किस तरह लिखते हैं, शेडेड क्या है, अनशेडेड है, अब आप समझ गए यहां तक। अब आप ये बताएं क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। जो नीचे फिगर है मैंने लिखी है, यहां फिगर बनाई है, शक्ल बनाई है और फ्रैक्शन इसके साथ लिखी है, इनको आप शेड करना है फ्रैक्शन के मुताबिक। ये 1/6, अगर आप समझ गए कि 1/6 है, 1 कहां लिखेंगे, 1 को क्या करना है, शेड को हम शेड किन को करना है और किन को अनशेड शेड रखना है, यह है 1, इसको हम शेड करेंगे, यह है 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम लिखेंगे यहां, यह है 1/6, दिस फिगर इज 1/6, यह है 1/6। एक को शेड करना है, बाकी अनशेड है, बाकी खुला छोड़ना है। यह फिगर 2, 2/4, दो को शेड करना है, जब दो को शेड करना है, टोटल है इसमें पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, ये बन गया 2/4। जो तीसरी है 1/3, अब आप समझ गए कि आप एक को आप शेड करेंगे, बाकी दो को आप खुला छोड़ेंगे विदाउट शेड, इसको हम लिखते हैं 1/3, दैट इज 1/3। अब आप समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कहाँ है और डिनोमिनेटर कहां पर है। जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवीजन लाइन कहते हैं। और